सभी का स्वागत है दोस्तों, एंड माय नेम इज रुद्र गौतम। और आप आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट, रोहिंग्या रिलोकेशन। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, बांग्लादेश गवर्नमेंट, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रेशर था रोहिंग्यास, जो लगभग 10 लाख के करीब थे ऑन एन एवरेज एस्टिमेशन, जिसमें से लगभग 7 से 8 रोहिंग्यास चिटगोंग तट और जो वहां का सबसे बड़ा बीच है कॉक्स बाजार, वहां पर बहुत ही इनहाइजेनिक कंडीशन में वर्तमान में रोहिंग्यास और कुछ परसिक्यूटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स वहां पर हैं, और उनमें से कुछ हिंदूज भी वहां से आए थे और मुस्लिम की सबसे बड़ी आबादी, और रखाइन प्रदेश से, जहां पर म्यांमार ने 1982 के कानून में रोहिंग्यास को शामिल नहीं किया था, और इसी कारण से उनको बिल्कुल आर्मी क्रैकडाउन के तहत उन सभी रोहिंग्याज मुसलमानों को वहां से निकाल दिया गया। और इसी पर पूरा डिटेल टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, राइट। तो देखिए, ये जो भाषण चार आइलैंड है, एक्चुअल में इसकी लोकेशन क्या है, और जब इतनी बड़ी संख्या में पहली जो लगभग 1642 व्यक्तियों को भेजा जा रहा है इस आइलैंड पर, जो रोहिंग्याज, और धीरे धीरे 1 लाख से ऊपर यहां पर इन्हें भेजा जाएगा, और यहां पर ये इस प्रकार के शेल्टर होम है, यहीं पर इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स की भी सुविधा की गई है, यहां पर पुलिस स्टेशन होगा, हॉस्पिटल्स होंगे, और साथ ही साथ में यहां पर स्वच्छ पानी और कुछ हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ भूमि के तौर पर भी इन्हें प्रदान किया जा रहा है। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस प्रकार से बांग्लादेश, जो उसके ऊपर रोहिंग्यास का जो प्रेशर है, उसके लिए एक अलग आइलैंड। लेकिन क्या यह आइलैंड सुरक्षित है? क्या यहां पर, यह वह आइलैंड है जो सेडिमेंटेशन से बना है, मतलब जो गाद आती है मेघना, जिसे हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन वाली नदी मेघना कहते हैं, वहां से ये द्वीप बने हैं। तो ये एक टेम्परेरी द्वीप है, जब भी कभी टाइड लहरें आती हैं तो ये पूरा का पूरा जो सेडिमेंटेशन वाला भाग है वो खराब हो सकता है, साइक्लोन्स के आने की संभावना है, तो अपने आप में ये इतनी अच्छी जगह नहीं है रहने लायक, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उससे पहले माई नेम इज रुद्र गौतम, और आप जितने भी जितनी भी क्लासेस हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जहां शानदार क्लासेस आप देखते हैं, उस लर्निंग ऐप पर मेरी 5 PM पर डेली क्लास आती है और 8 PM पर डेली क्लासेस आती है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा रेफरल कोड RPSIR10 ये जरूर याद रखिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी नई क्लास में, भले फ्री स्पेशल क्लास है, उसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ यदि आप UPSC की एक सीरियस जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपने गार्जियन से बात करके जरूर पे कर सकते हैं फॉर आइकॉनिक प्लस एंड GS सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन की संपूर्ण स्ट्रेटेजी और भारत के टॉप नॉच फैकल्टीज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ाते हैं। मेरे द्वारा भी यहां पर डेडिकेटेड प्लस के कोर्सेज लाए गए हैं, उन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और एक बार एनरोलमेंट लेने के बाद जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि बांग्लादेश में जो पृथक द्वीप, एक बिल्कुल अलग द्वीप है, वहां पर 1500 रोहिंग्या शरणार्थियों को, लगभग एक्चुअल में यह संख्या 1642 के करीब है, और भाषण चार द्वीप पर एक इस प्रकार का अरेंजमेंट किया गया है, और उन्हें वहां पर रिलोकेट कर दिया गया है, राइट, वहां पर इन्हें रिलोकेट कर दिया गया। अब देखिए, आपको इस मैप के माध्यम से पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो ये जो नदी जा रही है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के मिलने से मेघना नदी बनती है, और मेघना नदी आपको पता है बहुत ज्यादा पानी लेकर आती है, और यहां से जो सेडिमेंटेशन, और साथ ही साथ में आप जो डेल्टा देखते हैं, उन डेल्टा से ये अलग अलग द्वीप समूह बने हुए। तो ये जो है बड़ा द्वीप, ये है सैंड द्वीप, और यहां पर आपको जो इस पोजीशन पे दिख रहा है वो है भाषण चार आइलैंड, और आपको आपको ये जो पूरा पोर्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको ये जो पूरा पोर्ट दिखाई दे रहा है, राइट, ये चिटगोंग है, चिटगोंग, और नीचे की तरफ ये दुनिया का
सबसे बड़ा बीच कॉक्स बाजार, और यहीं पर इसी कॉक्स बाजार में सबसे ज्यादा जो रोहिंग्याज रहते हैं वो इसी कॉक्स बाजार में रहते हैं। याद रखना, 7 से 8 लाख के करीब ये आबादी है। तो भाषणचार द्वीप वो तट से लगभग तट से 34 से 40 किलोमीटर की दूरी पर नोखाली नोखाली नाम की जगह से यहां पर ये भाषणचार द्वीप समूह है। तो आपको ये बिल्कुल लोकेशन पिक्चर में क्लियर हो गई होगी, राइट? तो यहां पर आपको भाषणचार द्वीप, यहां पर आपको बिल्कुल पोजीशन दिखाऊंगा किस प्रकार से, जो आपने शुरुआत में ये डायग्राम देखा है बिल्कुल इसी तरह से ये इनके शेल्टर हाउसेस होंगे, और यहां पर पॉन्ड होगा जिसमें ये मछलियां उत्पादन कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन ये एक सुरक्षित आइलैंड नहीं है, पहला पॉइंट, ये सुरक्षित आइलैंड नहीं है। और साथ ही साथ में यहां पर साइक्लोन, यहां पर सेडिमेंटेशन, बहुत कुछ आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, अब इंडो आर्यन जातीय समूह, तो सबसे पहला पॉइंट है रोहिंग्यास जो हैं वो रखाइन स्टेट, आपने सुना होगा रखाइन एक प्रांत है जो म्यांमार में पड़ता है, और जब से म्यांमार ने 2016 में इन्हें नागरिकता, रोहिंग्यास को नागरिकता देने से मना कर दिया, जो एक्चुअल में यहां के 8वीं शताब्दी से यहीं पर रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता देने से मना कर दिया, तब से उनको भागकर जो बिल्कुल म्यांमार से बॉर्डर से जुड़ा हुआ देश बांग्लादेश, चिटगोंग वाले भाग भाग में वो भागकर चले गए। अब यहां पर बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया रिसोर्सेज और संसाधन का, और उसके बाद से बांग्लादेश की सरकार 2017 से ही उन्हें रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ सेपरेट द्वीप समूह पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। तो वर्तमान में 6,25,000 रोहिंग्या शरणार्थी ये सभी बांग्लादेश में रहते हैं, इनमें से कुछ अल्पसंख्यक हिंदू भी यहां पर रहते हैं। तो लगभग 1 मिलियन रोहिंग्याज आर लिविंग ऑन म्यांमार, राइट? ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया की इससे सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, जो कि सबसे ज्यादा सताए गई एक अल्पसंख्यकों के रूप में रोहिंग्यास को बोला है, भारत ने भी इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था। उसके पीछे कई बार ये हवाला दिया गया कि ये टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सारी बातें आई क्यों? म्यांमार का जो राष्ट्रीयता सिटीजनशिप का कानून है 1982 का, उसमें रोहिंग्यास को नागरिकता देने से इनकार कर दिया गया था। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू यू सभी को, वेरी गुड इवनिंग यार। यद्यपि इस क्षेत्र में रोहिंग्यास का इतिहास देखा जाए तो 8वीं शताब्दी से यहां पर रह रहे हैं, राइट? 8 राष्ट्रीय स्वदेशी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में से इन्हें एक मान्यता नहीं देता, जबकि ये अल्पसंख्यक हैं वहां पर। तो रखाइन प्रांत से ये भागकर चिटगोंग बांग्लादेश में आ गए, और फिर दुनिया का जो सबसे बड़ा बीच है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉक्स बाजार में सभी लोग 2017 में ये एक्सपैट्रिएट कर दिए गए, अपने देश से निकाला दे दिया गया, और ये फाइनली बांग्लादेश में आ जाते हैं। 2015 में बांग्लादेश सरकार ने आश्रय परियोजना के तहत रोहिंग्या शरणार्थियों को भाषणचार द्वीप में पुनः बसाने का फैसला कर लिया। अब यहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, निवेश भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप में प्राकृतिक रूप से रहने योग्य जगह नहीं है। कभी भी साइक्लोन आ सकता है, कभी भी बहुत बड़ा ऊंचा टाइड आएगा तो पूरा पानी सेडिमेंटेशन जा सकता है। ये कोई टेरिटोरियल या हार्ड लैंड नहीं है, एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए, है ना, तो कॉक्स बाजार, है ना, कॉक्स बाजार
तो यहां तक आपको मेरी सभी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल शिखा, शिखा माहेश्वरी जी थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी सारी बातें क्लियर हो रही है? मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा डिले हो गया, आप समझ गए होंगे, है ना। शाहीन अनवर जी हेलो, कैसे हैं आप? तो देखिए, कॉक्स बाजार जो है फेमस फॉर इट्स लॉन्ग नेचुरल सैंडी सी बीच। ये बहुत बड़ा लॉन्ग सैंडी बीच है, इतना बड़ा, 120 किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा कोई भी बीच नहीं है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनब्रोकन सी बीच स्ट्रेचेस मोर देन 120 किलोमीटर। तो कॉक्स बाजार वैसे ही ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बहुत फेमस है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अब ये जो भाषण चार द्वीप है वो मुख्य भूमि से लगभग 34 किलोमीटर दूर है, है ना। नोआखाली, नोआखाली नाम की जो जगह है उससे लगभग ये 34 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और देख लीजिए आप, यहां पर इस तरह से भाषण चार द्वीप का जो ये वाला पार्ट है, यहां पर इन्हें रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, और मैप में एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर है। और ये रखाइन देखिए, आपको शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख जाएगा, बड़े ध्यान से देखिए, आपको पूरा मैटर ही क्लियर हो जाएगा। यहां पर ये जो रखाइन स्टेट है म्यांमार का, यहीं पर 8वीं शताब्दी से रोहिंग्याज रहते थे, और ये मूव करके अंदर चले गए क्योंकि इन्हें नागरिकता देने से मना कर दिया था म्यांमार की जो, म्यांमार की राइट जो आर्म्ड गवर्नमेंट है, क्योंकि वहां पर आर्मी की गवर्नमेंट है। और यहां से फिर ये कॉक्स बाजार वाले एरिया में आ गए, चिटगोंग में आ गए, और फाइनली इन्हें अब यहां पर भाषण चार में इन्हें रिहैबिलिटेट किया जा रहा है। एकदम क्लियर। चलिए, तो भाषण चार मीनिंग फ्लोटिंग आइलैंड इमर्ज्ड फ्रॉम सिल्ट अराउंड 20 ईयर अगो। और देख लीजिए, ये मेघना नदी द्वारा 20 साल पहले ही बना है, सिल्ट के द्वारा, क्योंकि बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन गंगा और ब्रह्मपुत्र का यहां आता है, ठीक है। और ये लगभग 6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया। और यहां पर देखिए, एक पॉन्ड होगा, शेल्टर हाउस होगा जिसमें 23 मेंबर्स की फैमिली रहेगी, और ईच मेटल रूफ्ड होगा, सोलर पैनल होंगे, फैसिलिटी तो सब कुछ है। और देखिए, कहीं बहुत ज्यादा ऊंची यदि टाइड, इसका मतलब बहुत ऊंचे यदि ज्वार भाटा भी आएंगे तो भी उसके लिए एम्बार्कमेंट किया है, और चाइना और इंग्लैंड के इंजीनियर्स ने इसको तैयार किया। देख लीजिए, चाइनीज एंड ब्रिटिश इंजीनियर्स डेवलप द 13 किलोमीटर एम्बार्कमेंट फॉर दिस। और यहां पर एक डेडिकेटेड हेलीपैड भी होगा। ये सब होने के बावजूद भी, है ना, और यहां पर 3 × 3.5 × 4 मीटर के ये रिहायशी इलाके, चार जनों के ऊपर एक इस तरह से रहेंगे ये लोग, राइट। तो ये 2 दशक पहले ही मेघना नदी के गाद द्वारा बना हुआ द्वीप है, बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, कभी भी खत्म हो सकता है। दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के हटिया द्वीप से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहां पर देखिए, यह द्वीप कभी मानसून की बारिश से नियमित रूप से जलमग्न था। एक समय था जब भाषण चार पूरी तरह से जलमग्न था, और बांग्लादेश की नौसेना द्वारा 112 मिलियन से अधिक लागत से बाढ़ सुरक्षा तटबंध, घर, अस्पताल और मस्जिद यहां पर बनवाए गए, राइट। और यह मानसून के कारण जून से सितंबर तक पानी के भीतर रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है बहुत बड़ी संख्या जो है यहां पर मृत्यु के काल के ग्रास में भी चली जाए। कितना भी एम्बार्कमेंट कर ले, यदि टाइड तेज आ गया तो पूरा पूरा सिस्टम कोलैप्स्ड हो जाएगा। क्योंकि भाषण चार द्वीप बाढ़, कटाव और साइक्लोन चक्रवात बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन और फ्रेजाइल कंडीशन में है, तो संयुक्त राष्ट्र और बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन सभी ने पुनर्वास के खिलाफ, उनके रिहैबिलिटेशन के खिलाफ विभिन्न मानवाधिकार एजेंसी में उनमें एक ये दर्ज कराया है कि भाई आप इस मैटर को देखिए, क्योंकि और इन्फॉर्म द डिसीजन अबाउट रिलोकेटिंग द आइलैंड बेस्ड अपॉन रिलेवेंट एक्यूरेट एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। तो आप किसी न किसी एक बेसिक आधारित इंफॉर्मेशन के आधार पर ही स्वतंत्र रूप से निर्णय लीजिए कि क्या वाकई में रोहिंग्यास को भाषण चार आइलैंड में रिलोकेट करना चाहिए, है ना।
तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपको पता होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती है, और इसका मुख्यालय, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन में स्थित है, ने इस साल की शुरुआत में ही एक बहुत ही ज्यादा चिंतनीय रिपोर्ट, है ना, अर्लियर दिस ईयर, है ना, एक डैमिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि भाई ये बिल्कुल सेफ नहीं है, निवास की सीमित और अस्वच्छ। लेकिन क्या हुआ कि यह रिपोर्ट निवास बहुत ही लिमिटेड है, सीमित है, अस्वच्छ स्थिति में है, भोजन और स्वास्थ्य सुविधा सीमित ही पहुंच पाएगी, संचार की सुविधा की कमी रहेगी, साथ ही साथ नौसेना और स्थानीय मजदूरों द्वारा जबरन वसूली और यौन उत्पीड़न के मामले यहां पर शामिल थे। तो बहुत सारे रोहिंग्यास की स्थिति पहले ही खराब है, और अब इन्हें उस स्थान पर भेजा जा रहा है जहां पर किसी भी परिस्थिति में पर्यावरणीय स्थिति ही खराब है। भारत का रुख हमेशा से ये रहा, भारत ने रोहिंग्यास को एक्सेप्ट नहीं किया कभी भी, है ना, रिसोर्सेस के चलते, एक प्रेशर के चलते, और इन्हें ऐसा भी कहा गया भारत सरकार द्वारा कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों से इनका संबंध है, और भारत ने रोहिंग्यास को वापस बुलाने और उन्हें म्यांमार की नागरिकता देने के लिए भी, म्यांमार पर दबाव डालने से भी इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं यह एक ऐसी कम्युनिटी है जिस पर किसी का हाथ नहीं है, इसीलिए यूएन ने इसे मोस्ट परसिक्यूटेड, मतलब सबसे ज्यादा सताई जाने वाली एक आबादी के तौर पर डिक्लेयर किया था। यहां पर आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यह भी शरणार्थियों के लिए यूएन रिफ्यूजी एजेंसी है, क्योंकि जब से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वहां पर पूरे यूरोपियन और अलग अलग देशों में बहुत सारे शरणार्थी हो गए थे, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए यहां पर एक UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, आप इसको, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, शरणार्थियों के लिए एक उच्च आयुक्त, इसको 1950s में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्रिएट किया गया था मिलियंस ऑफ यूरोपियंस, बहुत सारे यूरोपियंस की मदद करने के लिए जो अपने घर को छोड़कर चले गए थे। तो इसका मुख्यालय याद रखना जेनेवा में स्थित है UNHCR का, यह भी शरणार्थियों के लिए, राइट। शेल्टर हाउस मीन्स उनको, जब भी शेल्टर हाउस का मतलब है उनको रहने योग्य जगह, ठीक है, शेल्टर हाउस, शेल्टर का मतलब जहां पर वो आसानी से अपना आश्रय स्थल, हिंदी में शेल्टर हाउसेस को क्या बोलेंगे दोस्तों, आश्रय स्थल, राइट। अब रोहिंग्यास के लिए अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान क्या है, एक तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी ट्रेटी 1951 और शरणार्थियों की स्थिति पर प्रोटोकॉल 1967, इन दोनों संधियों पर दुनिया के 145 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन जब किसी भी परसिक्यूटेड, सताई हुई कम्युनिटी को बचाने की बात आती है तो कोई भी देश आगे होकर सामने नहीं आता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शरणार्थी, रिफ्यूजी का संकट बहुत ज्यादा बना था, उसके समाधान के क्रम में ही इस ट्रेटी संधि को लाया गया था, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी ट्रेटी 1951, और शरणार्थी की परिभाषा, उनके अधिकार तथा हस्ताक्षर देश की शरणार्थियों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसका प्रावधान था। तो भारत ने भी इसे सिग्नेचर किया है, तो कहीं ना कहीं भारत भी इस दायरे में आता है। और यह संधि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता और किसी विशेष सामाजिक समूह के संबंध और पृथक राजनीतिक विचारों के कारण उत्पीड़न और अपना देश छोड़ने पर जो लोग मजबूर हो गए हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करने वाली यह एक संधि है, राइट, जो कई सारी परिस्थितियों के कारण अपने देशों को छोड़ने पर मजबूर हुए। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो युद्ध अपराध से संबंधित अथवा आतंकवाद से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन्हें शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। तो यहां पर इस संधि में यह भी कहा है, जानबूझकर किसी और देश में अशांति फैलाने के लिए यदि उनका संबंध किसी भी आतंकवादी समूह से, तो उन्हें हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो यह संधि 1948 के मानवाधिकार अधिकारों के सार्वभौम घोषणा है। तो इट इज अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और यहां के जो अनुच्छेद 14 है उसमें ये सभी बातों को मेंशन किया गया है। और
पीड़ित व्यक्ति को शरण मांगने का अधिकार भी प्रदान करती है कि यदि कोई इसी प्रकार की सताई हुई कम्युनिटी है तो उसे पीड़ित व्यक्ति को एक घर भी मिलना चाहिए। तो 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन, इसमें नॉन रिफाउलमेंट, ये शब्द आपको कभी भी इंग्लिश मीडियम के यदि स्टूडेंट हैं आपको नॉन रिफाउलमेंट का पता होना चाहिए। इस प्रैक्टिस में रिफ्यूजी को हम लोग फोर्स नहीं करेंगे, किसी भी शरणार्थी को नॉन रिफाउलमेंट का मतलब यह है कि शरणार्थी को कभी भी हम लोग फोर्स नहीं करेंगे जहां से उसे बलपूर्वक निकाला गया है, और कल को कभी वो उसी जगह जाता है तो उसके साथ परसिक्यूशन और ज्यादा हो, उसे और ज्यादा सताया जाए। सो द प्रैक्टिस ऑफ नॉट फोर्सिंग रिफ्यूजी और असाइलम सीकर टू रिटर्न द कंट्री इन विच दे आर लाइबल टू सब्जेक्ट टू परसिक्यूशन, जहां पर उन्हें और ज्यादा सताया जाए, तो इसे रोकने की बात यह करता है ना। तो इसके अलावा एक और कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए और वो है इंटरनेशनल कोविनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो ICCPR 1966 में इवन दो द रिफ्यूजीज आर फॉरेनर, वैसे तो यद्यपि जो शरणार्थी हैं वो विदेशी कहलाते हैं, कंट्री ऑफ असाइलम जिस भी कंट्री में वो शरण स्थल पाते हैं, आश्रय पाते हैं, दे कुड एंजॉय द सेम फंडामेंटल राइट एंड फ्रीडम एज नेशनल्स। तो फॉरेनर्स जो रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं उन्हें भी उस राष्ट्र में समान नागरिक अधिकार दिए जाने चाहिए। द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के, फॉर्म ए कॉर्नर स्टोन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ, कॉल फॉर बैनिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिफ्यूजी। तो किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे रोका जाना चाहिए। तो कुल मिला के रिफ्यूजीज की समस्या आपको समझ में आई होगी, किस प्रकार से रखाइन प्रांत से जो आर्म्ड एक कंट्री है जहां पर जो है आर्मी का शासन है, वहां से उन्हें निकाला जाता है और उसके बाद फाइनली वे बस जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश में, और अब बांग्लादेश की सरकार उनसे निजात पाने के लिए एक नए आइलैंड में उन्हें रिहैबिलिटेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनका जो परसिक्यूशन है वो कम हुआ, लेकिन वो इनको रहने लायक जगह नहीं है, और इसीलिए बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट यहां पर आते हैं और वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन को इसके अंदर कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। तो आप देखते हैं कि हो सकता है अंतरराष्ट्रीय दबाव आए और इन्हें कुछ स्पेशल डेडिकेटेड हक दिया जाए। आपको पता होगा ज्विश भी इसी प्रकार के कंडीशन में कभी थे और यूनाइटेड नेशन की मदद से उन्हें इजराइल पूरा क्षेत्र प्रदान कर दिया गया, और आज इजरायली लोग दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में से एक हैं। तो इजराइल जिस प्रकार से, वो भी एक समय पर बहुत ज्यादा परसिक्यूटेड थे, आपको हिटलर के काल में याद आ रहा होगा, लेकिन अब उनकी स्थिति बहुत परिवर्तित हो गई है, उन्होंने अपने आप को सेल्फ हेल्प के मदद से अपने आप को बहुत ताकतवर बना लिया। यस और नो? चलिए, तो आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। तो जरूर जब भी किसी को राइट्स मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स मिलते हैं, तो वो बहुत आगे जाते हैं। आप अनअकैडमी में जो भी क्लासेस लेते हैं मेरे इस रेफरल कोड की मदद से आप मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जब भी कोई भी कोर्स लेना हो आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10% इफ यू विल एनरोल। यदि आप किसी भी कोर्स में एनरोल होते हैं आपको EMI की फैसिलिटी यहां पर उपलब्ध है, 2-3-4 हजार में EMIs उपलब्ध हैं, आप जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, बहुत ही शानदार पेमेंट का मोड भी है। आप एक सीरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, डेफिनेटली आप अपने गार्जियन से बात करके इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आप आपके गार्जियन से मेरी भी बात करवा सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट और डिलेमा है। आई एम द फैकल्टी, मैं अनअकैडमी पे एक ऐसा फैकल्टी हूँ कि जो सभी स्टूडेंट के, जो भी स्टूडेंट कॉल करते हैं, बात करते हैं, मैसेज करते हैं, उन सभी का रिप्लाई मैं पॉजिटिवली देता हूँ और उनके वो हेल्दी स्वर में भी जाता है, कहीं ना कहीं उनको मददगार साबित होता है। कई बार स्टूडेंट्स को एक समस्या होती है ऑप्शनल कैसे लें, क्या लें, तो मैं समय समय पर उनकी 100% मदद करता रहता हूं। तो आपको भी इसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, आप एक सीरियस एस्पायरेंट है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए बाय माय नेम रुद्र गौतम, और आपको जो है मैक्सिमम बेनिफिट इफ यू आर एनरोलिंग एनी ऑफ द कोर्स ऑन अनअकैडमी, आपको मैक्सिमम बेनिफिट बाय माय रेफरल कोड RPSIR10 से होगा।
सो पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये सभी आइकॉनिक में मिलता है आपको, प्लस के सभी फैकल्टी मेंबर से तो आप पढ़ ही सकते हैं। आपको डेडिकेटेड पर्सनल कोर्स भी मिलता है। एकदम क्लियर हो गई है बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो विमल, कैसे हैं? तो आपको जब भी ऐसा कुछ लगता है, यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और आपसे मैं हमेशा पर्सनली आपको सजेशन भी दे सकता हूं। तो जब भी कभी आपको लगे, डेफिनेटली यू कैन पर्सनली मैसेज मी वाया अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।